ट्यूशन पढ़ने के कोर्स भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसके लिए ट्यूशन की जरूरत होती है। अगर टीचर इतना पढ़ा दे और अपने आप से अगर इतना पढ़ लो तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी में तो हाँ थोड़ी दिक्कत मिलती है अंग्रेजी पढ़ने में, तो मतलब उसके लिए थोड़ा अपने तरफ से सेल्फ स्टडी अलग से करनी पड़ेगी आपको अगर अंग्रेजी में, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के लिए तो अंग्रेजी से उतना मतलब कनेक्टिव नहीं रहता। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसा क्वेश्चन करिए कि नहीं हमारी ये क्वेश्चन इतने मिनट में हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मतलब आगे उनको एडजस्ट करिए, नहीं तो लास्ट में समय फिर कम पड़ जाता है तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में हूं और ये फतेहपुर का इब्राहिमपुर गांव है जहां पर मेरी मुलाकात होने वाली है यूपी बोर्ड 10th के टॉपर प्रिंस पटेल और उनके परिवार से। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, ये ग्रामीण परिवेश है और प्रिंस पटेल जो किसान के बेटे हैं कैसा उनके परिवार का माहौल है और कैसे उन्होंने पढ़ाई की ये मैं आपसे आपको दिखाने वाली हूँ। और इस समय हम पहुँच गए प्रिंस के घर पर, आइए हम दिखाते, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो यहाँ का दृश्य दिखाएं, यहाँ का नज़ारा दिखाएं, फिर हम मैं उनके परिवार से बात करूंगी और किन किन विषयों को में उनके कितने मार्क्स आए, खासतौर पे मैथ साइंस में जो उनको 100% टाइल है उसके लिए उन्होंने कैसे तैयारी की, कितने घंटे उन्होंने रोजाना पढ़ाई की, तमाम विषयों पे बात करने वाली हूँ। आइए मैं आपको ले चलती हूँ प्रिंस के घर पर और उनकी आपसे की मुलाकात करवाती हूँ प्रिंस और उनके परिवार से। मेरे साथ है प्रिंस की मम्मी शिवकांति जी, मेरे साथ है ये इनका छोटा भाई है, ये प्रिंस है और इनके पिता अजय पटेल जी जो किसान है। मैं इनसे बात करूंगी इनके परिवार के बारे में और इनकी जो पूरी जर्नी कैसे रही है, कक्षा 6 से लेकर 10th तक इन्होंने कहाँ पढ़ाई की, कितने घंटे इन्होंने विषयों को कैसे कैसे इन्होंने पढ़ा, कैसे नोट्स तैयार किए, तमाम इनकी जर्नी के बारे में मैं बात करूंगी। मेरे साथ है प्रिंस के परिवार के लोग, मैं प्रिंस से बात करूंगी, साथ में इनके मम्मी पापा से भी कैसे बेटे को टॉपर बनाने के लिए इन्हें कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले प्रिंस तुम्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये बताओ कि 10th का रिजल्ट्स आने के बाद से कैसे आपकी लाइफ पिछले 24 घंटे में बदली है? हमें हाई स्कूल का रिजल्ट पता लगने के बाद बहुत ही खुशी हुई है और मतलब कि हमने मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आने की आशा नहीं की थी, हमें ऐसा लगता था कि नहीं यहाँ पेपर हमने हमारे अच्छे बने हुए, हमारे 90+ नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमें इतनी आशा नहीं थी जितने अच्छे नंबर आए हमारे। ये बताओ जैसे कल आपको किसने बताया कि हाँ ये 10th में आपने टॉप किया है और उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? 10th मतलब ये रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हमारे दोस्त ने बताया था, क्योंकि उस समय वेबसाइट बिजी चल रही थी इसलिए उसने देख करके हमारा रिजल्ट बताया था, उस समय हमें बहुत खुशी हुई थी। सबसे पहले हमने अपने मम्मी को बताया था, फिर मम्मी ने हमारे पापा को बताया था। अच्छा, ये बताओ जब से 10th का रिजल्ट आया और ये अनाउंसमेंट हुआ कि भाई प्रिंस ने फर्स्ट रैंक हासिल की है उत्तर प्रदेश में, तो क्या क्या चेंज, क्या बदलाव देखा आपने, क्या 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 रिएक्शन देखे आपने? हमें तो ऐसा कोई अलग से रिएक्शन नहीं दिखा, लेकिन हाँ माता पिता के और हमारे टीचरों के हमारे स्कूल में और हमारे खुद के अंदर एक खुशी की भावना दिखी। तो पूरे गांव में पूरे इलाके में आपका नाम हो गया। मैं आज यहाँ पे आ रही तो रास्ते में जैसे ही मैंने पूछा कि भाई मुझे प्रिंस पटेल के घर जाना है, टॉपर है, तो लोगों ने बहुत इजीली रास्ता बता दिया, तो अचानक से आपका आपके परिवार का नाम हो गया, ये बदलाव आपने महसूस किया? अच्छा प्रिंस, ये बताओ कि आप कब से अभिनव इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इससे पहले 9th में कितने मार्क्स, कैसे क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? हम अभिनव इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं और कक्षा 9th में तो हाँ 6% था उसमें भी, क्योंकि टीचर वहाँ थोड़ा काट के नंबर देते दिया करते थे कि ताकि लड़कों को प्राउड ना फील हो, इसलिए वो मतलब वही 91-92 के आसपास परसेंटेज आया करता था, 9th में हमारे इतने परसेंटेज आए थे और फिर उसके बाद हाई स्कूल में भी काफ़ी दबा कर नंबर देते थे। अच्छा अच्छा प्रिंस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई आपकी यूपी में फर्स्ट रैंक है और आपके 600 में 586 मार्क्स लाए, बहुत बड़े बड़ा ये नंबर है, बहुत अच्छा परसेंटेज है, 97.67% आपके मार्क्स हैं और मैथ साइंस में आपके 100% मार्क्स हैं, तो आप ये बताओ कि इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर्याप्त थी या आपने सेल्फ स्टडी की या कोई और हेल्प ली आपने? देखिए जब अगर अच्छे नंबर लाने की बात है तो केवल टीचरों को करने से कुछ नहीं होता, लड़के को खुद अपनी तरफ से करना पड़ेगा, उसमें सेल्फ स्टडी, अगर कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है स्कूल में फिर उसके बाद कोई घर में आकर अपने अपने तरफ से उसमें अध्ययन करिए, कुछ प्राइवेट पुस्तकों की सहायता लेकर के, या अगर फ़ोन उपलब्ध है तो फ़ोन की सहायता से, कई प्लेटफार्म चलते हैं उनकी सहायता से, या अपने दोस्त उनकी सहायता से उसमें मतलब कि डिस्कस करिए उस टॉपिक को, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए और मतलब कि और अपने तरफ से पुस्तकों को सबसे ज़्यादा पढ़िए, मतलब दोहराइए, रिविज़न करिए और मतलब उसके नोट्स बनाकर पढ़िए। तो ये बताइए जो सिलेबस में आपकी बुक चलती थी उसके अलावा भी कोई बुक पढ़ी आपने? सिलेबस में तो हाँ सिलेबस की हमने बुक पढ़ी, लेकिन
एक दो प्राइवेट प्रकाशन पुस्तकें थी वो हमने पढ़ी, जैसे सामाजिक विज्ञान की थी राजीव प्रकाशन की, वो पढ़ ली, और साइंस में भी काफ़ी मदद मिली इसकी। प्राइवेट प्रकाशन वाली पुस्तकें हमने कुछ, तो आप बताओ मैथ साइंस में कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी उसका नाम बताओ। नहीं, साइंस में हमने पढ़ी थी वो नूतन प्रकाशन की एक्स्ट्रा बुक थी जो प्राइवेट प्रकाशन की थी। अच्छा, आपने साइंस में नूतन प्रकाशन की बुक पढ़ी, और सोशल साइंस में आपने सोशल साइंस में राजीव प्रकाशन की बुक पढ़ी। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी आपने? अच्छा, ये बताओ कि जो ऐसे आपने कहा कि भाई टीचर्स तो अच्छा पढ़ाते ही थे, लेकिन सेल्फ स्टडी, तो कितने घंटे क्लास के अलावा कितने घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते थे आप? इसके अलावा वही 5 से 6 आवर्स इतना एक्स्ट्रा पढ़ते थे। अच्छा, मतलब 5-6 घंटे आप खुद से पढ़ते थे? वहाँ हॉस्टल में रहते थे, जैसे कि सुबह जैसे उठते थे सबसे पहले 4 बजे उठते थे, फिर आधा घंटे के लिए मतलब फ्रेश होने के लिए, फिर उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ाई का समय मिल पाता तो वही 7 बजे तक, और फिर उसके बाद नहाने के लिए भेज दिया जाता था, फिर उसके बाद खाना खाने के लिए तो घंटा भर समय ऐसे चला जाता था, फिर उसके बाद लगभग वही 8 बजे से 9 बजे तक फिर 1 घंटा का समय मिलता था, फिर उसमें पढ़ाई होती थी और दोस्तों के साथ बातचीत भी होती थी उसी समय, और फिर 9 बजे से फिर स्कूल चलते थे 4 बजे तक, 4 बजे के आने के बाद फिर 1 घंटे के लिए आराम रहता था, फिर उसके बाद ग्राउंड निकाल दिया जाता था 1 घंटे के लिए, फिर शाम को आकर के फिर 10 बजे तक रात तक पढ़ते थे हॉस्टल में। अच्छा, तो अगर आप टोटल सुबह से शाम तक देखें तो क्लास को और सेल्फ स्टडी को जोड़ें तो ओवरऑल कितने घंटे आपके पढ़ाई में जाते थे? तो जैसे 6 घंटे तो वही सोने में चले जाते थे, और 1-2 घंटे खेलने, 1 घंटा खेलने के लिए, और 1 घंटा हो गया जैसे कि खाना खाने के लिए शाम सुबह, और दोपहर में लंच हो गया 1 घंटे का, इस तरह से वही 10-12-13 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, तो कुल मिला के अगर ये कहें कि टॉपर बनने के लिए आपको 10-12 घंटे डिवोट करने पड़ते हैं पढ़ाई के लिए? स्कूल में ज़्यादा ये भी नहीं कि मतलब जितना तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जितना वो हर घर की अलग परिस्थितियाँ होती हैं, कोई घर से पढ़ता है, कोई हॉस्टल से पढ़ता है, किसी घर में काम होता है तो अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए पढ़े, मतलब ये नहीं कि होता है ऐसे नहीं कि 5 घंटे पढ़ोगे तो ही टॉपर बनोगे, 2-3 घंटे पढ़ो लेकिन उसमें पूरा डिवोट कर लो अपने आप को, तब उस तरह से पढ़िए तो हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ प्रिंस, जैसे आपने कहा कि स्कूल में पढ़ाई आपने की और फिर सेल्फ स्टडी की, क्या कोचिंग पढ़ना या ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी होता है? वो जरूरी तो कुछ नहीं, ट्यूशन पढ़ना, क्योंकि कोर्स भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसके लिए ट्यूशन की ज़रूरत होती है, अगर टीचर इतना पढ़ा दे और अपने आप से अगर इतना पढ़ लो तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्यूशन में भी वही कोर्स पढ़ाते हैं लेकिन उसको कोई नहीं, कुछ विशेष मतलब नहीं मिलता मेरे ख्याल से, अगर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अगर टीचर नहीं उतना सही से पढ़ा पाते तो कोचिंग करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। लेकिन आपने तो कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं लिया? नहीं। देखिए ये हाँ, क्योंकि हमारे टीचर मतलब वो हर चीज़ को इतना अच्छे से पढ़ा देते थे कि उन कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और दोस्त भी थे अलग अलग, वो भी बताते थे, आपस में डिस्कस करते थे, इस तरह से कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। प्रिंस, ये तो आपने बताया कि सुबह से शाम तक आपका कैसे रूटीन था, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बिना कोचिंग बिना ट्यूशन के आपने इतना अच्छा मार्क्स हासिल किए और यूपी में फर्स्ट रैंक लाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड देश का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है और उसमें फर्स्ट रैंक हासिल करना वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मैं आपके परसेंटेज के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो मैथ साइंस में आपके 100% आया, सबसे पहले मैथ में 100% मार्क्स कैसे लाए और क्या पढ़ने का तरीका था? मैथ में तो बस वही कुछ जैसे वही किताब थी उसी को सवालों को मतलब एग्जांपल्स के साथ हमने मतलब पूरे सवाल लगाना, हर सवाल का मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट समझना मतलब पूरा, क्योंकि वहाँ पर सवाल किताब का सेम टू सेम नहीं है तो कुछ घुमा क्वेश्चन भी करता है, इसलिए उसको मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट समझना हर चैप्टर का, हर पार्ट का मतलब, और कुछ अतिरिक्त सवाल भी जैसे टीचर लोग बता देते हैं जैसे, तो इस तरह से कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन भी लगा लेना, और सबसे ज़्यादा तो NCERT से किताब से आता है पेपर, वो तो वही है प्रकाशन की किताब है, तो उसमें लिखने के लिए तो सबसे पहले मतलब उसमें लिखने का तरीका भी अलग होना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है उसमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा यूनिट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर कोई भी सवाल लगाओ अगर यूनिट छोड़ दो तो अधूरा सवाल माना जाता है, तो मतलब कोई भी अगर आंसर तुमने सही निकाला उसके अंदर यूनिट्स अगर है उसमें तो यूनिट को लिखिए, और जैसे वो होता है इक्वल मतलब अगर प्रयास करो कि सीध में रहें इक्वल, अगर कोई दिक्कत है तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं, और मतलब बिल्कुल साफ लिखें, अगर जैसे लैंग्वेज वाले सवाल है तो पूरी लैंग्वेज लिखें, कि यानी कि क्वेश्चन को शॉर्ट करते चले जाओ, लॉन्ग आंसर है तो उसकी मतलब भाषा पूर्ण रूप से लिखे, जैसे अंकगणित होती है तो उसमें पूरी भाषा लिख के लिखे कि मतलब अगर एग्जामिनर समझे तो उसको दिक्कत ना मिले, पूरी मतलब पूरी एक एक लैंग्वेज लिखते हुए पूरा सवाल करें नीचे तक। हाँ, क्योंकि प्रिंस तमाम जो बच्चे जो सुन रहे हैं कि हाँ प्रिंस के 100% मार्क्स आए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कॉपी में आपने एक तो सारे आपको आंसर आते थे और दूसरी बात आपने लिखा ऐसा कि एक भी नंबर काटने का स्कोप नहीं मिला। तो ये बताओ जब एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपने जो मैथ का जब पेपर था आपने देखा, तो देख के आपको कैसा लगा कि सब कुछ आता है इसमें?
हाँ, एक आधे जैसे क्वेश्चन थे उनको कुछ के लिए, मतलब एक दो क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर रहे थे, उसके लिए हमने पीछे सबसे लास्ट में उनको, क्योंकि जो भी दिक्कत करने वाला क्वेश्चन है सबसे हमेशा सबसे लास्ट में करना चाहिए, उसके लिए जगह छोड़ के हमने सबसे लास्ट में किया। और उसको बाद में मतलब थोड़ा प्रयास करने के बाद, क्योंकि सब क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जहाँ तक आ जाएगा, मतलब आधे आधे में थे कि मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, इसलिए उसको बाद में किया और वो आ गया, हमने कर दिया। अच्छा अच्छा जब आप मैथ की जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या पढ़ने, मतलब मैथ के एक क्या ऐसा होता है कि एक चैप्टर को आपने कई बार लगाया था, कैसे पढ़ा था? नहीं, अगर तुम चैप्टर को एक बार गहराई से पढ़ लो तो उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है गणित की, लेकिन मतलब अगर तो तुम एक बार लगा लो अगर सही से मन से पूरा उसको चैप्टर को अगर तुम समझ लिया एक बार, तो उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है कि उसको रटने की जरूरत होगी। एक क्वेश्चन को लगाएं कि इसका यही तरीका है, बिल्कुल रटते हुए चलो, ये कोई विशेष नहीं है। अच्छा नहीं, कहते हैं लोग जैसे बहुत सारे टॉपर ये कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर तुमने उसको मतलब उसका अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर उतनी भी प्रैक्टिस जरूरत नहीं पड़ती। जब एग्ज़ाम हो या उस समय पढ़ सकते हो, बाकी रोज़ आधा आधा घंटे के लगभग एक घंटे का समय जितना तुम्हारे पास मिल सकता है उतने देर रोज़ लगाओ। अच्छा, नियम से किसी भी दिन, मतलब है अगर कोई बड़ी समस्या है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, लेकिन रोज़ लगाइए। अगर कोई भी विषय हो रोज़ पढ़िए, किसी भी विषय को, ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ लेंगे, हमें तो आती है पूरी, उसको थोड़ा थोड़ा चाहे पढ़िए आधा आधा घंटे का समय निकाल के, लेकिन रोज़ पढ़िए नियम से, तो उसका रिवीजन बना रहता है। अच्छा, जब आप रोजाना 10-12 घंटे पढ़ाई करते थे तो आपने भी ऐसा बना रखा था कि मैथ को इतना समय देना है? हाँ, इतना बना रखा था कि, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने को उस समय कभी कभी ऐसा होता है ना कि उस समय थोड़ा माइंड इधर उधर चल रहा होता है, तो मतलब कोई समस्या हो गई तो उसमें दूसरे विषय भी, ये नहीं कि था कि नहीं, एक दो दिन जाया भी कर देते थे, क्योंकि उस समय दूसरे विषय पर जैसे कभी कभी होता है कोई विषय ज़्यादा कठिन लगती है, उसके लिए ज़्यादा में समय ज़रूरत है, तो उसका थोड़ा समय काट के उसमें दे देते थे, एडजस्ट कर लेते थे मतलब उसे। अच्छा ये बताओ कि जब आप मैथ की पढ़ाई कर रहे थे तो कोई आपने उस समय टाइम टेबल भी बनाया, सब्जेक्ट वाइज बनाया हुआ था? नहीं, टाइम टेबल तो नहीं बनाया था, क्योंकि टाइम टेबल को कुछ दिन तो पालन कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन, लेकिन उसको लगातार पालन करना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि कभी रोज़ एक नया दिन होता है कि मतलब कुछ नई परिस्थितियाँ बनती हैं। अगर तुम टाइम टेबल कभी खाने के लिए हमारे से हमारे अपने स्कूल के थे तो वहाँ कभी खाने के लिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता था तो टाइम टेबल नहीं सक्सेस हो पाता था, लेकिन हाँ एक था लगभग कि 10-15 जैसे कि किसी भी 40 मिनट 45 मिनट लगभग हमें इतना देना है। अच्छा, तो रोजाना मतलब ये कि आपको 40-45 मिनट आप रोज मैथ की प्रैक्टिस करते थे? हाँ, इतनी प्रैक्टिस करते। क्या आपने एक चैप्टर को कई बार पढ़ा था, ऐसा कुछ था? हाँ, लेकिन कई बार तो नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम 2-3 बार तो हो गया होगा पेपर देते हैं। अच्छा अच्छा, तमाम जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं आप उनको बताओ कि मैथ में 100% लगाने का क्या फार्मूला होना चाहिए, क्या कुछ टिप्स दीजिए आप। टिप्स सबसे पहले तो उसकी राइटिंग सही करिए, दूसरी बात उसमें यूनिट नहीं लिखने बोलिए, पूरी लैंग्वेज लिखिए, सवाल को संक्षिप्त न करिए, पूरा स्पष्ट लगाइए एक एक, और मतलब कि आंसर जो होता है सबसे पहले आंसर को बॉक्स में बंद कर दिया है मतलब, और मतलब उसको अलग दिखाए आंसर, और बाकी पूरा सवाल को पूरा विधिवत लगाइए, और मतलब जो इक्वल होता है इक्वल को सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि एक इक्वल आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पूरा लगभग प्रयास करिए कि पूरे सीध में हो पूरे इक्वल। अच्छा। तो उससे कुछ अलग इफेक्ट पड़ता है और अलग इफेक्ट के ही नंबर मिलते हैं। अच्छा, जो कॉपी है वो कुछ आप एक पेज पे आपने एक सवाल हल किया, बहुत कॉपी आपकी नीट एंड क्लीन थी, अभी तो जैसे कि हो रहा है कि आप सभी टॉपर्स की कॉपी सार्वजनिक की जाएगी, लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो कॉपी वो देखने में कैसी थी? देखने में तो हाँ अच्छी थी, कि मतलब हमने शुरू से ही अच्छे से लिखना मतलब शुरू किया था, हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमें सब मतलब जो पहला या दूसरा तीसरे पेज होते हैं इनको अच्छे से लिखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो एग्जामिनर कहाँ पीछे करता है, इसलिए हमेशा प्रयास करें इनको थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन शुरू में अच्छे से लिखिए, बाद में थोड़ा आप अगर समय के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा अगर जल्दी लिखना पड़े तो लास्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपने फिर ऐसे जो आपने मैथ की कॉपी लिखी फिर आपने क्या सारे आंसर दोबारा रिवाइज करे कि एक बार जो किया वो लिख दिया? दोबारा कर लिया था, एक बार चेक कर लिया था, कभी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मतलब कुछ छूट गया हो तो उसके लिए हमने दोबारा कर लिया था, 10 मिनट का लगभग समय मिल गया था लास्ट में। अच्छा, उसके तो आपने मैथ के पूरे सवाल हल करने के बाद, देखिए आपने प्रिंस ने बहुत अच्छी बातें बताई, एक तो ये कि जो सवाल नहीं आ रहा था उसको सबसे लास्ट में आपने अटेम्प्ट किया, कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन लिखी, और दूसरा एक बात है कि 10 मिनट का टाइम आपको मिला, फिर आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार आपने रिवाइज कर लिए।
तो रिवाइज करने में ऐसा हुआ कि कुछ गलती कर गए, आपने दोबारा करेक्ट करना पड़ा? हाँ, एक सवाल मिला था उसमें थोड़ा लास्ट में एक यूनिट से लिखना छूट गया था, इसीलिए हमने इसको दोबारा देखा था, उसमें लिख दिया था। बिल्कुल, तो वो देखिए ये बात छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर लास्ट टाइम में आपने रिवाइज किया, मान लीजिए वो आपने करेक्शन नहीं किया था, हो सकता है आपका आधा नंबर या एक नंबर कट भी सकता था, तो वो आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कहीं भी कोई मिस्टेक की। हाँ अच्छा, अब अच्छा मैथ के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक तो नहीं पढ़ी आपने? एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन जिसको कोई प्राइवेट प्रकाशन से महंगी पुस्तकें मिलती हैं, अपनी घर की परिस्थितियों के हिसाब से अगर उपलब्ध है तो पढ़ सकते हैं, बाकी कोई ऐसी खास जरूरत तो नहीं पड़ती। अगर टीचर की होता है, टीचर के ऊपर निर्भर, अगर टीचर ऐसा पढ़ा देता है आपको कोई प्राइवेट प्रकाशन जरूरत तो नहीं पड़ती तो ना पढ़िए, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमें ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, और ये तो हुई मैथ की बात जिसमें कि आपके 100% परसेंटाइल है। दो तीन बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि रोजाना एक नियम होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट को रोजाना पढ़ लेना है, प्रैक्टिस मैथ में कर लेनी है। दूसरा जैसे आपने बताया कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आए, जो सवाल ना आता उसको लास्ट में अटैम्प्ट करें, बहुत पेशेंस के साथ करें और टाइम मैनेजमेंट भी रखें ताकि लास्ट में आपको रिवाइज करने का मौका मिले। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मतलब ऐसा क्वेश्चन करिए कि नहीं हमारी ये क्वेश्चन इतने मिनट में हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मतलब आगे उनको एडजस्ट करिए, नहीं तो लास्ट में समय फिर कम पड़ जाता है तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, अच्छा ये तो बात हुई मैथ की, और अब ये बताओ प्रिंस की साइंस में 100% मार्क्स कैसे आए आपके? साइंस में तो जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री में तो उतने ज़्यादा डायग्राम रहते नहीं, अगर बायोलॉजी की रही बात तो बायोलॉजी में लास्ट का क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर आता है उसमें एक डायग्राम पक्का रहता है, हमेशा उस डायग्राम को अच्छे से जितना अच्छा हो सके उतना क्लियर बनाइए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे मतलब संक्षिप्त में बना देते हैं, उतना नहीं मतलब उसको अच्छे से बनाइए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा डायग्राम नहीं आए स्कूल में, वही लगभग 5 से 6 डायग्राम है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि मतलब बिल्कुल सटीक बना सकें आप। अगर रोज तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हफ्ते में 1-2 बार कर लेते हैं प्रैक्टिस तो डायग्राम आपसे बनने लगेगा, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि फिजिक्स में हो गया तो फिजिक्स में तो पूरा मैथ वाले पूरे वही रूल लगभग किस्सा ही से लिखो, उसमें भी यूनिट्स बहुत जरूरी होते हैं फिजिक्स में, और उसमें फिजिक्स में तो कुछ खास नहीं, जैसे कोई भी जैसे एक टॉपिक था उसमें लाइट वाला, तो लाइट में जैसे कि लेंसेंस हो गए, इनकी हमेशा जितना हो जाता है उतना डायग्राम समझाया करी, चाहे जो हो जैसे चाहे गणित में हो उसमें डायग्राम का बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे कोई भी सवाल हो अगर उसमें संभव है कि नहीं इसमें बन सकता है डायग्राम तो उसमें बना दीजिए, क्योंकि डायग्राम से एग्जाम को समझने में आसानी होती है। फिजिक्स में भी काफ़ी डायग्राम होते हैं, जैसे लेंस के कुछ सवाल क्वेश्चन होते हैं उसमें जितना हो सके डायग्राम हर सवाल में बनाए, कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री में तो जैसे केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको पूरा स्पष्ट लिखिए, आराम से लिखिए, मतलब पूरा एक एक अक्षर स्पष्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइटिंग का तो हमेशा इफेक्ट पड़ता है अलग ही, और उसमें थोड़ा सही से लिखिए, उसमें भी एक आध कुछ डायग्राम होते हैं उनको भी सही से बनाइए, बस इतना ही। अच्छा अच्छा, साइंस का जब पेपर आप कर रहे थे उसमें भी ऐसा हुआ था कि कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो? हाँ, एक दो क्वेश्चन थे उनको मतलब कि वो ऐसा था ना कि साइंस की बुक हमने पढ़ी तो थी, लेकिन एक दो क्वेश्चन थे जो अतिरिक्त टाइप के आ गए थे, तो बुक में नहीं थे लेकिन हमारे सर ने पढ़ा दिया था अलग से, तो उसको मतलब कि वो हमें ऐसा लगता कि नहीं हम इसको कर लेंगे, लेकिन उसमें फिर हमने उसको किया था अपने हिसाब से किया था, तो बुक में भी नहीं था, सर ने एक आधे बार बता दिया था, उस हिसाब से 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। अच्छा, आप साइंस में कह रहे हैं कि डायग्राम बनाना और ठीक से अगर आप केमिस्ट्री लिख रहे तो उसका पूरा डिटेलिंग अच्छे से कर देना, कॉपी को क्लियर करना, सब कटिंग तो बहुत कम करना, अगर कटिंग करना भी है तो एक तिरछी लाइन करके कर सकते हैं, उसमें नहीं कि उसमें घिचबिचा दिया पूरा और उसमें एक तिरछी लाइन खींच दी, बस इतने काफ़ी है। अच्छा, मतलब आपको कॉपी में कटिंग नहीं करनी है कि आपको आंसर नहीं आया जल्दी से आपने काट दिया फिर बाद में सही भी लिख दिया, लेकिन कॉपी देखने में इतनी ख़राब लगेगी कि आपके नंबर कट सकते हैं, 1-2 नंबर तो काट देगा वो एग्जामिनर से। कटिंग और साफ सफाई का बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अच्छा, ये बताओ प्रिंस, आपने जो सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा बुक साइंस की पढ़ी थी तो वो 100% नंबर लाने में कितनी मददगार रही? उसका तो हमें लगता है कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हमने ऐसा मतलब किया था कि शायद अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक पढ़ा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में उस टॉपिक को बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है, तो बहुत एनसीईआरटी में लेकिन उतना सही से उसमें अगर समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए प्राइवेट प्रकाशन की पुस्तकें उस टॉपिक को समझने में मदद करती हैं, और जब तक टॉपिक की पकड़ नहीं होती तब तक क्वेश्चन, क्योंकि लिखा लिखाया था नहीं उसमें घुमा क्वेश्चन पूछता है, तो जब तक टॉपिक नहीं क्लियर होगा तब तक उसमें अब आंसर नहीं लिख सकते सही से, इसलिए हमने प्राइवेट प्रकाशनों की पुस्तकों का उस कोई भी टॉपिक था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हमने प्राइवेट बुक इसका सहारा लिया था, जैसे कोई भी टॉपिक है उसको मतलब उससे दोनों सेम थे, क्योंकि प्राइवेट में भी और सरकारी में भी, इसलिए हमने उसको अच्छे समझने के लिए प्राइवेट का सहारा लिया था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं जरूर ये नहीं देखना चाहिए कि इससे कोई एक्स्ट्रा सवाल है, लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई वो बहुत काम आई,
जैसे आपने कहा कोई एक सवाल नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि आपने बहुत थारो स्टडी किया हुआ था तो वो आप समझ गए कि क्या पूछा जा रहा है और आपने उसको आंसर देने का प्रयास किया। जैसे कोई मतलब गणित में कोई भी जैसे क्वेश्चंस होती हैं उनको मतलब पुस्तकों, एक तो जो गणित होती है कोई उसकी पाठ नहीं पढ़ता, चैप्टर को नहीं पढ़ता, तो उसके सवाल लगाते हैं सीधे एक्सरसाइज करते लोग, तो उसको चैप्टर को पढ़ने से उसका मतलब एक बेस कंप्लीट हो जाता है और उससे समझने में भी बहुत आसानी रहती है उसको चैप्टर को। एक जो लैंग्वेज होती है मैथ में हो गए, साइंस में तो पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन मैथ में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसको चैप्टर को पढ़ने से मतलब काफ़ी अलग कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी। अच्छा, आप क्या आप हमसे शेयर, हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि साइंस में कौन सा एक सवाल था जब आपको लगा कि नहीं आ रहा फिर आपने बाद में किया? साइंस में वो था ना, बायोलॉजी में आया था कि उसमें था वो पुंकेसर का चित्र बनाने के लिए आया था, उसके बारे में थोड़ा लिखना था, लेकिन ये हमारे मतलब उसमें ये शब्द था लेकिन इसके बारे में नहीं था, इसके आंतरिक भित्ति के बारे में उसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन मतलब था सर ने बताया था क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड था, इसलिए सर ने हमारे बता दिया था। किसका चित्र बनाने को आया था? पुंकेसर का आया था। तो फिर आपने क्या किया, आपको इसका आंसर नहीं आता था? आंसर आता था हमें ऐसा, लेकिन इसको मतलब पढ़ा नहीं था सही से, एक दो बार बताया गया था ऐसा लग रहा था कि नहीं हमने इसको पढ़ा है, हल्का हल्का याद आ रहा था, तो उसने हमने अपने हिसाब से उसको थोड़ा सोच के थोड़ी देर में फिर उसको अपने हिसाब से लिखा था। अच्छा, इतना जितनी चीजें याद आई थी। तो यानी जो आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपके बैक ऑफ माइंड में रहती है, तो आप उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको आप हल कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने पेशेंस भी रखा कि नहीं चलो आता नहीं, लेकिन आपने फिर माइंड अप्लाई किया? हाँ, उसको सबसे लास्ट में करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है उसको छोड़ो नहीं, मतलब चाहे जो पेपर उसमें छोड़ो, कुछ लिखिए उससे रिलेटेड, जितना आता है उतना लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर में अगर मान लो 5, 3 या 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ भी लिखा उस चीज़ से रिलेटेड तो कम से कम 1-2 नंबर तो देगा ही करेगा, पूर्ण रूप से नहीं काटेगा, अगर आपने कुछ लिखा है उसके बारे में उससे रिलेटेड सही पूर्ण रूप से सही नहीं लेकिन कुछ लिखा है तो देगा नंबर, इसलिए कुछ बहुत लिखना है, लेकिन एक क्वेश्चन पूरा छोड़ ही दो, ब्लैंक नहीं करना चाहिए कभी। अच्छा, इसी तरह से जैसे आपके हिंदी में 98 नंबर आए, तो ये बड़ी बात है कि अगर मैथ साइंस में आप 100% नंबर आए तो हिंदी में भी बहुत अच्छे 2 ही नंबर आपके कटे, तो हिंदी की कॉपी आपने कैसे लिखी, क्या आपने ज़्यादा याद किया था, क्या किया था? हिंदी में तो कुछ निश्चित नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें जो रचना आती हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, रचनाओं के तो विषय में कुछ नहीं कहता था, आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएँ हम पढ़ लें, और इससे मतलब काफ़ी आराम रहेगा, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी पढ़ा था, लेकिन खैर को ये तो था कि संयोग था कि उसमें जो हमने पढ़ी थी वो एक रचना आ गई थी, क्योंकि हमने बहुत काफ़ी रचनाएँ आती थी जो आती है क्वेश्चन बैंक आती हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा रचना होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा रचनाएँ भी आती हैं उसमें, तो हमने उससे पढ़ा था और उससे रचना फंस गई थी। और बाकी जैसे उसमें रही बात हिंदी में कुछ अलग से करने के लिए, उसमें तो जैसे सबसे ज़्यादा निबंध है, जैसे निबंध में अगर तुम्हें एक तो निबंध को ज़्यादा छोटा नहीं करना, कम से कम निबंध 3 पेज का तो होना ही चाहिए। और निबंध में अगर तुम्हें कोटेशन आती है तो उसको काले पेन से लिख सकते हैं, मतलब स्केच से लिख सकते हैं, और मतलब कि उसको अलग से लिखा के उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके, सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश से आती है तो इंग्लिश से तो और अच्छी बात, हिंदी में इंग्लिश लिख सकते हैं कोटेशन तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, हिंदी इंग्लिश कोटेशन लिखें कम से कम 2-3-4, और जैसे वो आता था खंड काव्य उसमें भी कम से कम वो जो आते हैं दो टाइप के होते हैं कोटेशन, वो भी लिखना चाहिए, सबसे ज़्यादा कोटेशन का बहुत प्रभाव पड़ता है हिंदी में। अच्छा, तो एक तो कोटेशन लिखनी चाहिए, निबंध आप कह रहे हैं कम से कम 2.5-3 पेज का तो होना चाहिए। अच्छा, किस विषय पर लिखा था आपने निबंध? हमने लिखा था भारतीय किसान पर। भारतीय किसान पर, और आप तो खुश किसान के बेटे हैं तो आपने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। हाँ, समस्याएं लिखी थी और मतलब इस तरह से उससे रिलेटेड लिखा था। तो आपने ये याद करके लिखा था कि स्कूल में पहले प्रैक्टिस वगैरह कर ली थी आपने, कैसे किया? निबंध के विषय में तो कोई प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें निबंध निश्चित नहीं होता कौन सा निबंध आएगा, और इतने निबंध होते हैं उनको सब बस एक बार पढ़ लिया जाता है, निबंध को याद तो कभी किया नहीं जाता, उसको एक बार समझ लो, उसकी थ्योरी समझ लो, बस उसी से जो मेन टॉपिक होते हैं उसकी प्रस्तावना तैयार करके, रूपरेखा तैयार करके, पूरी बस उन्हीं पॉइंटों पर लिखते हैं, अपने आप से लिखना है जो तुम्हारे अंदर की भावना, क्योंकि निबंध कोई याद करने की चीज़ नहीं, उसमें जो अंदर आपके विचार उनको व्यक्त करना होता है निबंध में, इसलिए मतलब अपने तरह से लिखा जाता है, उसको याद करने जरूरत नहीं। अच्छा, नहीं तो अच्छा, आप खुद किसान के बेटे, देखिए हम आपके घर पे बैठे हुए हैं, लग भी रहा है कि हम किसान के घर पे हैं, तो आप भारतीय किसान के बारे में क्या सोचते हैं? भारतीय किसान मतलब काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर मतलब पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती और बिजली की व्यवस्था कहीं कहीं नहीं है, और कहीं कहीं पर और उनको मतलब फर्टिलाइजर है वो काफ़ी महंगे दाम में मिलते हैं, और कभी बहुत से किसानों के पास कृषि नहीं है, काफ़ी समस्याएं हैं इस तरह से। हाँ, अपनी खुद की ज़मीन है, दूसरों की ज़मीन पर करते हैं बेगार टाइप करते हैं, इस तरह से काफ़ी समस्याएं हमने लिखी थी, और उनके कुछ हाल भी थे कि हाँ सरकार को करना चाहिए, और इस तरह से मतलब। अच्छा, तो वो आपने निबंध बढ़िया लिखा, तो इसका अच्छा जी, आपने कोई ये नोटिस किया जैसे 2 नंबर आपके कटे, तो कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ आपको दिमाग में आ रही कि ये चीज़ मेरी गलत हो गई होगी? क्योंकि हिंदी में तो 1-2 नंबर तो कटते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में तो नंबर तो काटना पड़ेगा, मतलब 100 कभी नहीं मिलते, ऐसी बात नहीं कि दे देते हैं अगर तुमने बहुत अच्छा लिखा है
हमें लगता है निबंध में नंबर कटे होंगे, क्योंकि निबंध में तो नंबर एक दो नंबर, क्योंकि छः नंबर का होता है उसमें, कम से कम एग्जाम में एक नंबर काट देता है, और एक नंबर उसमें संभवतः खंड काव्य में कटे होंगे। अच्छा, एक क्योंकि लैंग्वेज वाले होते हैं इनमें, तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सही नहीं लिख सकता, कुछ ना कुछ तो कमियाँ रहती हैं लैंग्वेज वाले में, कोई मंत्रांतरा की हो गई जैसे बिंदी, तो एक दो नंबर काट देता है एग्जाम में। अच्छा अच्छा, तो देखो एक तो ये हिंदी की बात, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए आपके? इंग्लिश में 99। अब थोड़ा इंग्लिश साइन लैंग्वेज के बारे में, उसकी आपने कैसे पढ़ाई की, क्या कोई एक्स्ट्रा बुक लिखी, कैसे आपने कॉपी लिखी इसकी? इंग्लिश में भी राइटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसमें भी मतलब जैसे कोई उसमें भी जैसे निबंध, उसमें भी ज़्यादा निबंध में कटते हैं, और जैसे ग्रामर होती है, ग्रामर में तो ज़्यादा नंबर नहीं, ग्रामर में तो पूरे सॉलिड नंबर मिलते हैं, जैसे नरेशन हो गया और पैसिव एक्टिव हो गए, मतलब इस तरह से थोड़ा मतलब इनमें ग्रामर में ध्यान दिया, और बाकी जो जैसे जैसे होता है लैंग्वेज वाला एक पार्ट होता है उसका, लैंग्वेज वाले में आंसर को जैसे कि लॉन्ग आंसर आता है उसका करेक्टर स्केच, तो करेक्टर स्केच को यानी कि पूरा पैराग्राफ बना के लिख दें, उसमें कम से कम 4 से 5 हेडिंग, क्योंकि करेक्टर स्केच में हेडिंगों का प्रभाव पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें सबसे ज़्यादा हेडिंग हेडिंगों के रूप में लिखे तो सब उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, तो जो करेक्टर स्केच 5 या 6 नंबर का आता है उसमें मतलब एग्जाम में प्रयास करता है कि 6 नंबर दें अगर तुमने हेडिंग उसे लिखा है तो। और जैसे राइटिंग तो बहुत अच्छी बात, अगर जितनी अच्छी राइटिंग लिख सकते हो उतने मतलब अच्छे राइटिंग से लिखिए, और उसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं, क्योंकि उसमें निबंध आता है, निबंध में यहाँ प्रयास करिए जो उसका एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन जो मतलब उसके रूल होते हैं एप्लीकेशन लिखने के, मतलब जैसे ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक कामा लगाना है, और उसके सीधे लिखने हैं जितने स्कूल का नाम पूरा सीध में, तो जैसे मतलब उसका जो रूल होते हैं उनको रूल को जरूर फॉलो करके, क्योंकि कोई भी जो लेटर होता है पढ़ता तो नहीं है, लेकिन उसके मेन चीज़ उसमें रूल जो मतलब उसने अपनाया, क्योंकि वो अपने विचार लिखता है उसमें लेटर में, किसको लिख रहा है किस तरह से लिख रहा है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं, लेकिन उसमें जो लिखने का तरीका है वो सब ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए उसके लिखने के तरीके में ध्यान दीजिए, सब ज़्यादा उसमें लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अच्छा, आपकी जो सिलेबस की बुक थी एनसीईआरटी बुक्स, वो सफिशिएंट है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए? एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो एक्सीलेंट ग्रामर चलती है वही बुक काफ़ी है ग्रामर के लिए। अच्छा अच्छा, आपके लिए इंग्लिश में याद करना कितना इंपॉर्टेंट रहा है? याद करने के लिए तो नहीं, चैप्टर को पढ़कर उसके थ्योरी समझ के अपने मन से लिखने में सब ज्यादा, उसके याद करने अगर याद करने के लिए बैठोगे तो यादें करते रहोगे दिन भर। अच्छा, उसके इंग्लिश से क्वेश्चन अगर तुम उसके रटने से क्या फायदा है, उसको मतलब पार्टी थ्योरी समझ लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो उसका हिंदी मतलब निकाल के उसको सही से तैयार करके फिर उसको अपने भाषा में लिखो। अच्छा, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, कन्वर्ट करके उस इंग्लिश में अपने मन से लिखो। जो आपने ऐसे वगैरह इंग्लिश में लिखे वो अपनी लैंग्वेज? हाँ, अपनी लैंग्वेज में लिखी, क्योंकि उसमें कोई निश्चित नहीं होता कि टॉपिक यही आएगा तो हम ये याद कर लें तो हमें यही आ जाएगा, क्योंकि जो उसमें टॉपिक आया था लेबोरेटरी पर वो मतलब आज तक टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इतना पता था कि लेबोरेटरी में ये होता है ऐसा होता है, मतलब उसके बारे में तो अपने मन से लिखा था। तो लेबोरेटरी पर आपने अपने मन से लिखा आपने? तो ये आपके स्कूल में ये प्रैक्टिस कराई गई थी कि आपने खुद से ये चीज़ है, क्योंकि बच्चे अपने मन से देखिए लिख नहीं पाते, 10th क्लास के वो रटने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। रटने की तो जरूरत कभी नहीं है, क्योंकि ना तो निबंध की मतलब जितने एक्सीलेंट में कि हम जैसे उसमें 43 निबंध लगता है, अगर कि हम 43 याद कर लेंगे तो नहीं में से आएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये समझ लो कि नहीं निबंध लिखा कैसे जाता है, उसमें किस पॉइंट होते हैं, शुरुआत कैसे होती है और अंत कैसा होता है, और बीच की हेडिंगें 2-4 हेडिंग होनी चाहिए, इन्हीं हेडिंगों पर उन्हीं से रिलेटेड लिखिए, 3-4 हेडिंग सबसे पहले जब निबंध पढ़िए किस टॉपिक पर लिखना है, इस टॉपिक पर हम कौन कौन से पॉइंट बना सकते हैं, उसकी मतलब रूपरेखा तैयार कर लीजिए, फिर उसमें उन्हीं पॉइंटों पर लिख दीजिए, कम से कम 2 पेज का, इंग्लिश में तो 2 पेज काफ़ी है। अच्छा अच्छा, चलिए और लास्ट में आप बताइए सोशल साइंस, इसके लिए शायद आपने एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ी थी। सोशल साइंस में कितने मार्क्स हैं आपके? सोशल साइंस में 93 है। सोशल साइंस में कैसे पढ़ाई की? सोशल साइंस में तो काफ़ी मतलब डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस में, और उसमें थोड़ा ऐसा टॉपिक होता है ना कि जब हमेशा जो जैसे अर्थशास्त्र होगा, इकोनॉमिक्स और जो राजनीति विज्ञान होगा, ये 2 अलग से टॉपिक मतलब आते हैं, मतलब इसके पहले तो इतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि ये हमेशा 9th से आते हैं तो लड़कों को समझ भी थोड़ा कम आता है इनको, इनको थोड़ा अपने तरफ से पढ़ने की ज़रूरत है, और इसमें इसलिए हमने प्राइवेट प्रकाशन से सहारा लिया, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा सही से क्लियर करते हैं हर चीज़ को, और इसी का थोड़ा हमें लगता है कि ठीक ठाक फ़ायदा मिला, नहीं तो इसमें इतने ज़्यादा 6 नंबर नहीं मिलते, मिलते भी हैं अगर तुमने बहुत अच्छा लिखा है, उसमें भी लिखने का तरीका है कम से कम 2-3 हेडिंग है, जैसे कोई भी लॉन्ग आंसर लिखना है उसमें सबसे ज़्यादा, और जैसे कि कोई भी चीज़ लिखो उसमें डायाग्राम बहुत ज़रूरी है, जैसे मान लो सोशल साइंस में भी अगर तुमने कोई पूछा जैसे कि वैसे हमारे क्वेश्चन आया था भारत की मिट्टियाँ, अब उसमें मिट्टियाँ तो उसमें कम से कम अगर तुमने लॉन्ग आंसर है 6 नंबर का तो कम से कम उसमें 2 पेज तो हमने लैंग्वेज लिखी, 5-6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में लिखा, फिर अगर हो सके अगर आपके पास समय, क्योंकि थोड़ा भाषा का सब्जेक्ट होता है तो उतना समय अगर नहीं मिल पाता कभी कभी, तो अपने हिसाब से स्थितियों के अनुसार अगर समय बच रहा है
तो हो सके तो उसमें भारत का मैप बना के उसमें दिखा दीजिए। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो अगर इस तरह से तुमने आपने किया था ऐसे? हाँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब भारत की मिट्टियाँ पूछी गई तो आपने मैप में हाँ, दिखाया कि मिट्टियाँ हाँ, भले वो ना पूछे कि नहीं आपसे कहे कि नहीं आप इसको मैप में दर्शाइए, लेकिन आप मैप में दर्शा सकते हैं, अपनी तरफ से मैप बना लीजिए जैसा बना सकते हैं, फिर उसमें दर्शा दीजिए तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे कोई भी एक आधे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो कोई रिलेटेड आ गया, अब इसमें तो हमारे के नहीं आता, लेकिन हमने ऐसा सोच के चला था कि अगर ऐसा कोई ऐसा आ सकता है जिसमें हम चित्र बना सकते हैं, भले पेन से बना दो, छोटा सा चित्र बना सकते हैं, तो उसमें बनाइए चित्र, चित्र का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और उसी टॉपिक पर लिखिए जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कभी कभी लड़के क्या होता है टॉपिक पकड़ते हैं, उसमें जो भीतर शब्द फंसते जाते हैं उनके बारे में लिखते चले जाते हैं, टॉपिक को नहीं याद रखते भीतर। जैसे कोई शब्द आया, अगर किसी के बारे में लिखना है, महात्मा गांधी शब्द आएगा तो महात्मा गांधी जीवन परिचय लिख रहे हैं, प्रश्न दूसरा है, चीज़ दूसरी लिख रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा करने लगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखने, मतलब आपका कहना भटकना नहीं है, विषय से नहीं भटकना है। और आप उसको कितनी सुंदरता से लिखते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भारत की मिट्टियाँ पूछी गई तो आपने मिट्टियों के बारे में आपने डिटेल से भी लिखा, पॉइंटर के साथ में भी लिखा और उसको मैप में भी दर्शा दिया कि मिट्टियों में जैसे कुछ मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कितनी परसेंट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, तो ये जैसे परसेंटेज वाले हो गए, सन हो गए सोशल साइंस में, सन हो गया, किसी का नाम हो गया, जैसे कोई दल, जैसे किसी ने किस दल की स्थापना की, जैसे मेन मेन पॉइंट होते हैं किसी प्रश्न के अंदर, तो उनको काले पेन से स्केच पेन से मतलब हेडलाइन कर देना है, और अगर नहीं है मतलब कोई से तो उसमें लाइन जरूर खींच दी नीचे से। अच्छा, प्रिंस आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे लगता है इतने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपने बताया है ये, और इसके टिप्स के बारे में आपने बताया। अच्छा, अब बस आप मुझे लास्ट में ये बताओ कि ओवरऑल एक टॉपर बनने के लिए, जैसे कि लोगों को लगता है कि जो टॉपर होता है वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होता है, वो पता नहीं कहाँ से आता है, वो कैसे पढ़ता है, तो टॉपर बनने के क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स तो कुछ नहीं, मतलब जो कोर्स सबसे पहले कोर्स में रहिए, मतलब और इधर उधर ज़्यादा भटकिए नहीं, कोर्स में जितना है उतना सही से तैयार करिए, ये मेन चीज़ ये जरूरी है। और सिर्फ टॉपर बनने के लिए तो कुछ खास नहीं लिया, सभी लोग बन सकते हैं, हमने भी कभी नहीं सोचा था, हम भी ऐसे सोचा करते थे कि हाँ वो लोग होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी बन सकता है अगर तुमने सही से लिखा है अपने, मतलब जो मेन मेन बातें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको सही से अगर फॉलो किया है, हर आपको हर चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो पेपर बनता है तो लगभग 80-90% पेपर पूरा बुक से बनता है, और जो 8-10% बनता है उसके लिए आपको थोड़ा अलग से नॉलेज होना पड़ेगा, टीचरों को भी अलग से थोड़ा बताना पड़ेगा, तब अलग से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जो वो तो आते ही हैं हर पेपर में, कम से कम 2-3-4 नंबर का अलग से आता है, उसको अगर आपने क्लियर करना है थोड़ा अलग से अध्ययन करना पड़ेगा, केवल किताबों पर ही नहीं, ऐसे कुछ प्राइवेट जैसे जनरल नॉलेज की चीज़ें हो गई इतना तो आना ही चाहिए। जैसे हमारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था रिजर्व बैंक वाला, अच्छा अब उसमें रिजर्व बैंक वाला चैप्टर ही हट गया था, और ये क्वेश्चन आया था उसमें, अब ये क्वेश्चन आया था, अब इसका मतलब कि अब लड़कों को पढ़ाया ही नहीं गया, इसको एक तो किताब से हट गया था, अब इसके लिए हमें क्या थोड़ा अतिरिक्त अगर नहीं पढ़े होते तो उसके जो एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का, वो विकल्प भी चला जाता, अब इसके लिए जनरल नॉलेज काफ़ी उसने सहयोग किया, एक नंबर में तो उसने सहयोग किया, आगे 2 नंबर का एक क्वेश्चन और आया था इसी से रिलेटेड, उसमें भी जनरल नॉलेज ने काफ़ी मदद की। तो ये मतलब चैप्टर से हट कर, किताब से हट कर कुछ जानकारी रखे जरूर, क्योंकि इससे मतलब कुछ जो अतिरिक्त क्वेश्चन आते हैं वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, पर प्रिंस ये बताओ, एक तो आपने बताया कि भाई सिलेबस जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है, प्रेजेंटेशन तो बहुत जरूरी है हर किसी भी सब्जेक्ट में, अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन देख के उसमें मतलब मोहित टाइप का हो जाता है, और फिर उसको मतलब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलती किताब को पढ़ने में, मतलब जो कॉपी आपने लिखी है अच्छे से लिखी है तो उसको मतलब फिर ज़्यादा वो पढ़ता नहीं, अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिया अगर सही बीच में तो उसका मतलब उसका ज़्यादा ये नहीं कि आपके नंबर, क्योंकि फिर एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी अच्छी तो जान जाता है कि लड़का अच्छा है पढ़ने में, हाँ तो फिर उसके मतलब अगर एक आधी गलतियाँ भी होती है तो उसको माफ़ कर दिए जाते हैं और बीच में मतलब नंबर मिल जाते हैं आपके। अच्छा प्रिंस ये बताओ, एक तो ये बात हुई क्या क्या होना चाहिए, और दूसरा ये बताओ टॉपर बनने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको, आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ी आपको? छोड़ना तो हम मोबाइल फ़ोन से तो दूर रहे और घर से माता पिता से अलग रहे, और यहाँ पर अपने जन्म स्थल है यहाँ फतेहपुर से अपने यहाँ गांव से अलग रहे, और मतलब और या तो कुछ खास सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ना, क्योंकि इतना तो फिर करना ही पड़ेगा अगर आगे करियर बनाना है तो। नहीं होता कि भाई आपने अगर आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो नींद से भी कम्प्रोमाइज़ आपने किया? नींद से कम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि 5-6 घंटे 7 घंटे पर्याप्त नींद हो जाती है, इसमें कोई खास जरूरत नहीं होती नींद के लिए, वही 10-4 काफ़ी समय होता है, इतना समय अगर तुम देते हो तो ठीक है स्टूडेंट लाइफ में। तो दोस्तों से कम दूरी बनाए के रखनी पड़ी होगी, कि दोस्तों को भी टाइम, क्या आपने टीवी देख, होता ना टीवी मोबाइल दोस्त रिश्तेदारी त्यौहार, क्या क्या छोड़ना पड़ा है?
दोस्त और रिश्तेदार तो वहाँ छूट ही जाते हैं, टीवी भी छूट जाती है क्योंकि वहाँ हॉस्टल में रहने में, अगर घर में है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दीजिए, सबको घर में रहिए, अगर घर में आपको है टीवी है तो टीवी देखिए, लेकिन ये नहीं कि कुछ ज़्यादा देते थे, आप आधा घंटा एक घंटा तक के लिए देख सकते हैं अगर आपकी व्यवस्था है तो, घर में बात कर सकते हैं, कोई ऐसी खास नहीं है कि मतलब कि 5 घंटा हमने बताया तो 5 ही घंटा पढ़िए आपके, अगर 2-3 घंटे उपलब्ध है लेकिन मन से पढ़िए, 1 साल का समय होता है, बहुत समय रहता है, अगर आप ये छोटी सी किताबें होती है, छोटा सा कोर्स होता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। अच्छा प्रिंस ये बताओ कि आप तो मैंने देखा है कि आप आपके फादर किसान हैं और आप गांव के बच्चे हैं, आपने जाके किस तरह से पढ़ाई की, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो शहरों में रह रहे हैं उनके माता पिता बच्चों को चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉप करें, टॉपर बनाने के लिए बहुत कोचिंग लगाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इतने सारे एक्स्ट्रा एफर्ट उनके पेरेंट्स भी लगाते हैं, जबकि आपके पेरेंट्स इतनी दूर थे, तो आपको जब आप अपनी जर्नी के बारे में देखते हैं आपको लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को, कि नहीं प्रेशर भी रहता है कि नहीं पढ़ना है तुम्हें, दो दो टीचर लगा दिए गए, कोचिंग लगाई गई, क्या ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है या बच्चे का अपना जो इंस्टिंक्ट है वो माने रखता है? बच्चे का मतलब जो अपनी भावना है वो मतलब उसके खुद उसका खुद को लगा होना चाहिए, तभी हो सकता है, अगर घर वाले चाहे इतना दबाव दे चाहे इतनी कोचिंग लगा उसको कोई विशेष नहीं, अगर जब तो लड़के में खुद इच्छा नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, अगर उसके अंदर है जज्बा है कि नहीं हम पाएंगे ऐसा कर सकते हैं, अगर उसने खुद मेहनत की है तो उसको, तो फिर घर वाले भी अगर कुछ भी कहें तो भी वो कर लेगा, घर में अगर थोड़ी समस्याएं थी भी, अगर उसके अंदर है जज्बा, अगर तुम उसको चाहे जितनी फैसिलिटी दो चाहे इतनी कोचिंग लगा दो चाहे इतनी बड़ी बड़ी टीचर उसे पढ़ा दो, लेकिन खुद अगर उसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की तो कुछ नहीं हो सकता फिर। अच्छा इस बार का रिजल्ट आया, अगर आप मैं टॉप 10 बच्चों को देख रही हूँ, ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश से आए हैं या बहुत ही एक लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हैं, कोई ऑटो वालों का बच्चा, कोई श्रमिक का बच्चा, कोई किसान का बच्चा, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़रा पढ़े लिखे नहीं, इस बार उन सारे बच्चों ने बहुत कमाल किया है, तो ये जो यहाँ का परिवेश है, यहाँ की बहुत सारी समस्याएँ हैं, क्या उन वो कहीं बाधा होती हैं? देखो समस्याएं तो हाँ आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से मतलब एडजस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो फिर हैं ही, अब गांव के माहौल में थोड़ा बहुत तो काम वाम भी रहता है, इस तरह की समस्या कोई खास समस्या नहीं होती है, और इनमें एडजस्ट कर सकता है कोई भी, अगर हाई स्कूल लड़का है तो आराम से एडजस्ट कर लेगा, हाई स्कूल इंटर के लड़के, इसमें कोई खास समस्याएं हमें तो नहीं लगता, अगर किसी के यहाँ होंगी भी तो उसको फिर तो अपने घर के हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे प्रिंस आपके गांव में आपके जैसे फादर पिता बता रहे थे कि आपको क्लास 6 से उन्हें एक हॉस्टल में छोड़ना पड़ा, वो भी स्कूल कोई ग्रामीण क्षेत्र में ही है, कोई बहुत दूर नहीं, तो इस जैसे इस गाँव में इब्राहिमपुर गाँव में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या समस्या है, मतलब और भी बच्चे यहाँ से अच्छे निकले तो क्या स्कूल की दिक्कत है या ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, आने जाने का आवागमन की कोई दिक्कत है, बिजली की समस्या है, इंटरनेट नहीं है, क्या यहाँ पे समस्याएं रही हैं जो आप चाहते हैं कि आप ठीक होनी चाहिए? यहाँ पर तो समस्याएं तो वहाँ हैं, यहाँ पर आवागमन की भी समस्या है, मतलब वहाँ से हमारे यहाँ एक गांव है वहाँ से हमारे गांव तक बस भी नहीं आ सकती, वहाँ पर एक है समस्या रास्ते में, और यहाँ पर मतलब बहुत ही ऊँचे खाली की रास्ता है, लड़कों को भी आने जाने में और गार्जियनों को भी आने जाने में दिक्कत होती है वहाँ पर, मतलब वो बहुत वो गंदगी रहती है वहाँ पर, मतलब बरसात के मौसम में और भी दिक्कत होती है बच्चों को आने में, और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कोई मतलब जैसे सार्वजनिक बस नहीं आ सकती है, और जैसे स्कूली बस भी अगर कोई स्कूल भी खोल दे हमारे गांव में तो एक बस नहीं आ सकती अगर बाहर से, अगर सरीगामा से आने के प्रयास करे तो। अच्छा ऐसी समस्या है। और जैसे अभी देखिए हमने कोरोना काल में देखा कि स्कूल बंद करने पड़े, बहुत सारे बच्चों को ये हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाना, तो यहाँ पर बिजली की और इंटरनेट की ये इस तरह की क्या फैसिलिटी है? हाँ इंटरनेट तो ठीक चलता है, लेकिन फिर भी इंटरनेट उतना ज़्यादा इतना स्मूथ नहीं है, और थोड़ा मतलब अगर हो सके तो इंटरनेट थोड़ा और तेज़ हो जाना चाहिए तो ठीक रहेगा, बाकी बिजली की समस्या तो पर्याप्त रहती है, अब वो घर की स्थिति है, बिजली विद्युतीकरण हो चुका है तो उसमें कोई खास बिजली की समस्या नहीं है गांव में। तो आप क्या सोचते हैं कि गांव में क्या सुविधाएं और होनी चाहिए ताकि और भी बच्चे यहां गांव से अच्छे यहां से निकल पाएं? गांव में सुविधाओं की तो हाँ, जो प्राइमरी स्कूल है उनको मतलब थोड़ा, इनमें जो टीचर है उनको लोगों को थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसलिए पूछी क्योंकि आप तो इस गांव से निकल के दूसरी जगह आप पहुँचे, वहाँ पर आपने आपका जो ये आपका विद्यालय किस क्षेत्र में आता है? वो घाटमपुर के क्षेत्र में आता है, जहानाबाद के पास है। तो आप यही बात है, अगर आपके गांव में ही ये विद्यालय होता था, आपके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं भेजते आपको, तो यहाँ पर और किस तरह की आप सोचते हैं कि यहाँ सुविधा होनी चाहिए ताकि जो बच्चे आसपास को यहीं पढ़ पाएँ? यहाँ कोई तो मतलब गांव सबसे पहले लड़के का जहाँ अगर अच्छे से पढ़ाना है तो उसको गांव के माहौल से अलग करना चाहिए, मतलब अगर हो सके तो गाँव के माहौल से अलग करने से लड़का मतलब थोड़ा अलग से रहता है, उसका माहौल वहाँ के जो बच्चे होते हैं सभी एक अच्छे से माहौल में रहते हैं तो उनका मतलब भाषा सही रहती है, भाषा शैली सही रहती है, उनका मतलब रहन सहन
वो अलग तरह का होता है, इसलिए मतलब एक तो यहाँ पर कोई हॉस्टलाइज इस विद्यालय नहीं है आसपास, अधिकतर पर आवासीय विद्यालय होना चाहिए यहाँ पर। अगर एक आवासीय विद्यालय हो और उसमें पढ़ाई भी सही से हो, मतलब कम से कम अनुशासन होना चाहिए विद्यालय के लिए, तो ज्यादा सही रहेगा। टीचर्स भी ट्रेंड रहे कि ताकि बच्चों को हेल्प मिल पाए, इस तरह का आवासीय विद्यालय होना चाहिए। टीचर भी उतने हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है मतलब वो सही से पढ़ा सके, इसलिए मतलब थोड़ा बाहर जाकर पढ़ने में ज्यादा सही रहता। अच्छा ये और ये बताइए कि बस चलते थे लास्ट में तमाम ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करी की लेकिन फिर भी कुछ कुछ नंबर से वो उनकी 12वीं या 15वीं या 20वीं रैंक पहुंच गए तो कुछ कमियां रह गई, तो क्या वो शॉर्ट कमिंग्स चलते चलते लास्ट में बताइए क्या वो कमी गलतियां हो जाती जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए? गलतियाँ तो हो जाती है कभी कभी, तो ऐसा होता है कि कभी मतलब आपके माइंड के ऊपर भी निर्भर करता है कभी कभी कि आप लिख को सोच को दूसरा रहे हो क्या, धोखे में कुछ लिख जाए आपके मतलब परिस्थितियाँ कभी कभी होता है, जैसे एग्जाम हॉल में कभी कभी मतलब कुछ खास परिस्थिति से कभी कभी वो आँख जो होते हैं ना जो कापियाँ पे देते हैं तो मतलब कभी कभी वो थोड़ा लेट कर देते हैं समय, कभी पेपर समय से नहीं आ पाता, कुछ खास ही ये दिक्कत हो जाती है। बच्चे को आता तो है और मतलब लिख नहीं पाता है, कुछ बी कॉपी मिलने में कुछ समस्या हो गई, मतलब जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है वो नहीं झेल पाता, वो प्रेशर नहीं झेल पाता, तो पेशेंस रखना है। कोई सवाल नहीं आ रहा तो घबराना नहीं है, उसको दिमाग लगा के करना है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा फिर, लेकिन कम से कम सोचो तो नहीं उसके बारे में, नहीं आएगा तो क्या करेगी, ठीक है नहीं आएगा उसको लगाने का प्रयास करेगी, नहीं आप ये सोचे कि नहीं हमें आ जाएगा, कोई इसमें खास दिक्कत नहीं। अच्छा प्रिंस एक बार बताओ, आप गांव से निकल कर, वो भी गांव ही है जहां पर आपका ये अभिनव इंटर कॉलेज है, आप ये बताओ कि हिंदी बेल्ट का होना, हिंदी स्पीकिंग होना, और आप गांव से गए हैं, आपके पिता किसान है, सारे लोग हिंदी स्पीकिंग, तो जो अंग्रेजी में अच्छी कमांड ना होना, ये कहीं डिफिकल्टी आपके लिए मुश्किल रही है? अंग्रेजी में तो हाँ थोड़ी दिक्कत मिलती है अंग्रेजी पढ़ने में, तो मतलब उसके लिए थोड़ा अपने तरफ से सेल्फ स्टडी अलग से करनी पड़ेगी आपको अगर अंग्रेजी मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी मीडियम हुई तो उनका अंग्रेजी से उतना मतलब कनेक्टिव नहीं। लेकिन फिर भी आपके 99% नंबर आए तो मतलब आपने उसको कमांड की कर लिया। हाँ मतलब अपने मन से थोड़ा पढ़ा, अदर्स बुक से पढ़ा, जैसे तो काफ़ी नई किताबें चलती है जैसे ग्रामर, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मेन ग्रामर होती है, अगर ग्रामर आती है तो आप जो लैंग्वेज वाले मतलब पार्ट होता है 35 नंबर का होता है उसमें, तो 35 नंबर वो आपको अगर ग्रामर आते हैं 35 नंबर की सही से आप सेंटेंस बनाना जानते हैं, आपको मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है, अगर ये चीज़ें आती हैं तो आप जो उसका लैंग्वेज वाला पार्ट होता है उसको आप सही से कर सकते हैं, इसलिए ग्रामर अगर आपने सही एक्स्ट्रा तैयार रखी है तो आप अपने आप से बनाकर आप ऐसे लिख सकते हैं, और जैसे क्वेश्चन होते हैं वो आप अपने मन से कर सकते हैं, नहीं तो मतलब आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल वो एक अंग्रेजी एक भाषा है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसका आपका जो है पारिवारिक परिवेश क्या, आप पढ़ाई करके मेहनत करके भी अंग्रेजी भाषा को सीख सकते हैं, कमांड हासिल कर सकते हैं, वो आपकी तरक्की में बाधा नहीं है। अच्छा तो अब आगे का क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं आप? आगे तो अभी हमने साइंस साइड से फर्स्ट ईयर इंटर करेंगे, फिर उसके बाद एनडीए में जाने का है। एनडीए में जाने का, तो आप मतलब आप सेना में जाना चाहते हैं? आजकल इतना सेना में जाने को लेके बवाल चल रहा है, आप अखबार पढ़ते हैं देखते हैं आप, तो क्या इस विषय में क्या आपका नजरिया है? जो ये मतलब चल रही है अग्निपथ, अग्निपथ है जो आंदोलन है, इनको लड़कों को इस तरह से आंदोलन नहीं करना चाहिए, अगर उनको आंदोलन करना है तो मतलब जो ये ट्रेन जलाते हैं और रास्ते में हंगामा करते हैं ये न करके थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग उठ को उठाएँ, और मतलब कि कुछ हद तक ये स्कीम सरकार की सही भी है, इसमें काफ़ी लड़कों को रोजगार मिलेगी, लेकिन लड़कों को भी कहना है कि जो पुरानी भर्तियाँ हैं आपने उनको रद्द कर दिया और फिर आपने ये जो नई भर्ती नई स्कीम के आधार पर भर्तियाँ निकाले, पुरानी भर्ती होगी जिस किसी का मेडिकल होगा किसी का फिजिकल हो चुका है उसका रिटर्न टेस्ट नहीं लिया जा रहा, डेट पोस्टपोन करते चले जा रहे होंगे, इसलिए मतलब जो उसका ये भी है सरकार को चाहिए नहीं पुराना क्या हुआ कि जैसे मतलब 2019 में किसी ने फिजिकल मेडिकल दिया, अब एक दो साल उसने मतलब 22 चल रहा है, अब उसकी उम्र थी उस समय वही 20-21 साल थी, अब मान लो जैसे अब उसकी 23 तक आप दे सकते हैं पेपर, अब जैसे उसकी उम्र निकल गई, अब उसने फिजिकल मेडिकल दे रखा था, उसने रिटर्न उससे लेना था, तो अब जब उसने रिटर्न दिया ही नहीं और उसका सपना था और अब उसकी एज निकल चुकी है, अब आपने पुरानी भर्तियों को कम से कम रद्द करिए, जो नई भर्तियां आ रही हैं तो उसके आधार पर कराइए आप। तो ओवरऑल आप अग्निपथ योजना को सही मानते हैं? हाँ सही है। लेकिन जो पुराने आपको कहना कैंडिडेट उनके साथ ये चीज ना लागू की जाए, जो पुराना जैसे कुछ लड़के एग्जाम दे चुके हैं बीच में एग्जाम आया, अब उनका पूरा करा दीजिए, जो मतलब किसी की इसी वजह से किसी की एज निकल गई, अब उसका सपना तो टूट गया, क्योंकि जैसे मतलब उसने पेपर दिया था, अब उस अग्निपथ की स्कीम के आधार पर भी नहीं पेपर दे सकता वो, क्योंकि अब उसकी एज निकल चुकी है, इसलिए अब इसने मतलब थोड़ा पुराना एग्जाम है उसको करा दिया जाए। अच्छा कोई आप जो है आप इसके अलावा भी पिछले जब से आपका एग्जाम हाई स्कूल का दे के उसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट आपने किया, कोई फिल्म देखी, टीवी देखी, कहीं घूमने गए, कोई आउटिंग किया? तो नहीं गए लेकिन हाँ एक आधी फिल्म जरूर देखी है। क्या देखा आपने?
फिल्म तो ऐसे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है फिल्म में, लेकिन ऐसे उसमें ज़्यादा नाम देखते हैं ना इस से। नहीं, आप सेना में जाना चाहते हो तो आप सेना से संबंधित कोई आर्मी देशभक्ति की फिल्म देख सकते हैं, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका? फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। अच्छा, कोई आपका पॉलिटिशियन रोल मॉडल है? नहीं नहीं। सेना में आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो कोई आपको सैन्य क्षेत्र में आपने कभी कोई किसी पर्सनालिटी के बारे में सोचा? किसने आपको मोटिवेट किया एनडीए में जाने के लिए? एनडीए में जाने के लिए मतलब हमने खुद को खुद से मोटिवेट, हमारे माता पिता ने भी काफ़ी मतलब मोटिवेट किया इस बात के लिए और उसी आधार पर हमने मतलब खुद से डिसीजन लिया है। ओके, चलिए, थैंक यू प्रिंस। मुझे लगता है जो आपसे मेरी बातचीत हुई है तमाम स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करेगी। थैंक यू हमसे ये बात करने के लिए। तो ये थे प्रिंस पटेल, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, जो मैथ साइंस में इनके 100% आए, कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नोट्स तैयार करने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि ट्यूशन कोचिंग पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप खुद से मोटिवेट हैं, अगर आप अपने सिलेबस की सारी बुक्स को प्रॉपरली पढ़ते हैं, कुछ एकाद एक्स्ट्रा बुक की इन्होंने इनको नाम बताए, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप जाते हैं, एक दो सवाल आपको नहीं आते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं, उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है और ये खुद को यकीन दिलाना है कि अगर आपने अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी चाहिए। दूसरी एक बात ये है जो कैसे कॉपी लिखनी है, डायग्राम बनाना है, कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है और हैंड राइटिंग भी बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है कि प्रिंस के साथ हुई मेरी बातचीत आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी और जो इस साल बच्चे जो तैयारी करेंगे 10th क्लास की, उनके लिए ये जो तमाम जो तैयारी के टिप्स हैं वो बहुत काम आएंगे। मेरे साथ हैं प्रिंस के पिताजी हैं अजय पटेल, जो कि किसान हैं। मैं इनसे बात करूंगी। अजय जी, ये बताइए, जब से कल से प्रिंस का रिजल्ट आया, लोगों ने बताया कि भाई आपका बेटा टॉप किया, क्या क्या बदल गया है, क्या बदलाव अचानक से आप VIP बन गए? जो इधर से मैं आई तो हर कोई बता रहा है कि प्रिंस का घर उधर है, अजय पटेल जी का घर उधर है, क्या बदल गया है सर? हाँ, बदला तो बहुत कुछ है, लोग बागों में बदला है, लेकिन पर्सन हमारे नहीं बदला, क्योंकि हम जिस स्थिति जैसी परिस्थितियों से गुजर के आए हैं वो कभी नहीं बदलेगा हमारा। क्या मुश्किल रही है बेटे को टॉपर बनाने में? मुश्किल तो बहुत कुछ किसान में कर क्या क्या बताइए। खेती किसानी में करना है, खेत दूर है घर से, रास्ता वहाँ की सही नहीं है, दलदल की जड़ों से लाना पड़ता है, साइकिल सहारा लेके सर से बरसात महीने के लिए रास्ता नहीं से, जानवरों का व्यापार साथ में रहता है, दूध खाते हैं उनसे बेचते हैं जिससे बच्चे का खर्च चलाते हैं, प्लस सीमित ज़मीन है जिससे केवल भरपाई पर हमारे घर की खर्च की हो पाती है। तो बच्चे का ही हमने सब कुछ असली धन मान लिया, उसके भविष्य को बनाने के लिए हमने यहाँ तक कि अपनी सारी फैसिलिटीज आवश्यकताओं को सीमित कर दिया और बच्चे के पीछे वही धन लगा दिया। आपने देखिए, आपने बच्चे को कैसे, मतलब आपने सोचा कि आपके इब्राहिमपुर में तो कोई अच्छा स्कूल नहीं था, फिर आपने इसको घाटमपुर भेजने का फैसला किया, तो क्यों भेजा आपने वहाँ पर? देखो, पहले तो बच्चा यहाँ से नर्सरी तक से लेकर 5 तक एक प्राइवेट कॉलेज में हमने कुछ स्वयं भेजने गए डेली, हमारे पास कोई साधन भी ऐसा नहीं था, साइकिल थी, बच्चा कभी छोटा था पैदल भी भेज देते थे, जैसे हमें खेती किसानी में तिक्रम लग गया, पिताजी के अकेले हम भी थे, पिताजी वृद्ध थे, वो आ जा नहीं सकते थे, तो बेचारा पैदल भी चला जाता था, वो पढ़ने में थोड़ा बचपन से ही पहले नहीं था तो नर्सरी तक ये तेज रहा। फिर हमारे मन में एक विचार आया कि देहात में गांव घर में माहौल अच्छा नहीं पढ़ाई का रहता और सारी सुख सुविधाएँ भी नहीं मिल पाती हैं घर में, और घर में रहेगा तो खेती किसानी का काम है, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमने इसको एक विचार बनाया, दोनों आपस में हमने और मम्मी ने प्रिंस की कंप्रोमाइज़ किया कि बच्चे का सब कुछ असली धन तो पढ़ाई लिखाई ही होता है, तो इसको हॉस्टल में रख दिया जाए। अच्छा, तो इन्होंने सोचा कि हॉस्टल में ऐसा रखा जाए जो पूर्ण आवासीय हॉस्टल हो, ये आपसे संतुलन की बात। तो पूर्ण आवासीय विद्यालय को हमने पहले नज़रअंदाज किया कि जहाँ का खर्चा कुछ सीमित हो, नज़दीक हो, डेली बच्चे के पास आ जा सकें, तो ऐसे ही स्कूल हमको एक मिला मुरलीपुर नाम जो हमारे थोड़ी दूरी यहाँ से मुश्किल से कितने किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है, वो कानपुर नगर ज़िले में रहता है और हमारा ग्राम डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में रहता है, तो वहाँ इसको टेस्ट दे आला है, क्योंकि वहाँ पेपर दे के ही बच्चे को लिया जाता है, कक्षा 5 पास किया, 6 जाने में लिए, इंटरव्यू दिया, पेपर को लिया, पेपर देने में पास हुआ,
जैसा पास हुआ उसने अपना हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, और उसका खर्चा हम समय समय से उससे मिलना और छुट्टियां में जैसे लेने ले जाना वो सारे पैसे हम कम देते रहे। कभी बच्चे को फील नहीं होने दिया हमने, ये पैसा कम है पापा के पास, आता जाता कहाँ से, करता क्या है। मैंने हम दिशा बस एक दिखाते रहे, बच्चे कुछ करके दिखाओ, बच्चे कुछ करके दिखाओ। वो तो उसके प्रतिशोध की भावना रही और उसने बड़ी मेहनत किया और अपने एक पढ़ने का तरीका ही सब बच्चों से हट के दे दिया। हमने देखा चूँकि पढ़े लिखे हम भी थे तो कभी कभी चुपचाप इसका हम इंटरव्यू ना लेकर इसको छिप के देखते भी थे कि मोबाइल से पढ़ रहा है ये थी और कुछ कर रहा है। क्योंकि अजय जी मैं इसलिए बात आपसे कर रही हूँ कि आप किसान हैं, जैसे आपने कहा कि आपने इस बच्चे की फीस देने के लिए हॉस्टल देने तमाम अपने खर्चों में कटौती की, तो आपकी जो कहानी है तमाम किसानों को भी प्रेरित करेगी कि उनका बच्चा भी ऐसे टॉप कर सकता है आपकी। तो आपने जो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो तमाम किसान जो आपको सुन रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको क्या क्या त्याग करना पड़ा है और बच्चे की आपने कैसे मोटिवेट किया बच्चे को कि नहीं तुम्हें सिर्फ बेटा पढ़ना कुछ नहीं करना है। वो मोटिवेट करने के लिए सिर्फ हमें पहले सुधारना पड़ेगा। अच्छा, गार्जियन सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, गार्जियन के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, माँ और बेटे की कुल मिला के भी पति पत्नी भी बीच के बच्चे को वहाँ पे हटा दिया जाए। जैसे बच्चे को पता ही ना चले घर की परिस्थितियों के बारे में कि क्या हो रहा है, कौन कष्ट में, कौन सुख में, कौन दुख में। मतलब आपने इसके यानी कि आपने प्रिंस को भी कुछ जानने नहीं दिया कि आपको क्या क्या मुश्किलें आप झेल रहे हैं। हमने आज दिन तक उससे वो जान ही नहीं पाया। बस जो भी उसने जान से निकाली वो केवल हम उसको मतलब यहाँ तक कि उसको छोड़ दे रखे थे कि तू शरीर में खा जितना ले, अब पहन जितना ले, लेकिन हमारे वादे को पूरा करके दिखा। अच्छा, सपना साकार उसने यही किया। अच्छा, अब जब से रिजल्ट आया किसके किसके फोन आए और गाँव के लोग सब लोग क्या कह रहे हैं? अरे मैडम जी आपसे क्या बताएं, हमारी अफरा तफरी में हम न खुशी का इजहार कर पा रहे हैं, न हमारा अर्थव्यवस्था भी थोड़ी गड़बड़ा रही है क्योंकि अकेले हैं, खेती बाड़ी का काम भी है, भागा दौड़ी भी आ रही है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी है क्योंकि नंदनाथ जी जब साथ डीएम एसडीएम साहब बधाइयों का तो तांता लगा रहा है। अच्छा, मेरे साथ प्रिंस की मम्मी है शिवकांति जी। शिवकांति जी बताइए, प्रिंस कैसा बच्चा है? आपको कहना पड़ता था, खुद से पढ़ता था? नहीं, कहना पड़ता, मतलब छोटा है तो बच्चा है तो कहना ही पड़ेगा कि नहीं बेटा पढ़ो, मतलब उठो जागो, स्कूल जाना है, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन इतना समझदार था कि मतलब अपने आप में भी है, मतलब खुद पढ़ता लिखता था, कहने को मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि बेटा पढ़ो, मतलब पहले से होशियार था। ये बताइए, आपने क्लास 6 से कक्षा 6 से आपने हॉस्टल पढ़ने को भेज दिया तो बहुत सारी गाँव की महिलाएँ रहती है, अरे मेरे बेटे को दूर ना भेजो, ऐसा नहीं कहा आपने? नहीं नहीं कहा ऐसा हमने कि मतलब उसका भविष्य था, मतलब अगर कुछ तो पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अगर सोचती कि नहीं हमारा बच्चा हमारे पास रहे तो कैसे आज ये इस मुकाम पर पहुंच पाता, तो हमने मतलब ये नहीं कभी कहा। और ना उसको महसूस होने दिया कि उसके घर की याद आए, कि मम्मी की याद आए, कि पापा की याद आए, बेटा पढ़ो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमने इसको ये भी सिखाया है। तो आप ही बताइए कि आप जो जब से इसका रिजल्ट आया है तो अचानक से आप भी गांव के लोग क्या कह रहे हैं, आपसे मिलने जुलने आ रहे हैं, किस तरह का आपको प्रतिक्रिया मिल रही लोगों से? प्रतिक्रिया तो मान लीन गाँव वालों की ठीक ही है, गांव वालों की तो खुशी होती ही है कि हमारे गांव का लड़का ये हुआ है, उसके साथ साथ मान लीन घर वालों को भी खुशी होती है कि खुशी का काम ही किया है इसने। तो अब क्या चाहती हैं प्रिंस से आप? अब यही चाहते हैं कि बेटा मतलब जैसा नाम आपने इस मुकाम पर कमाया ऐसा आगे भी कमाते रहना, पीछे मतलब अब पर मत रखना, पीछे हो जाओ गिर जाओ, बस यही आशा करते हैं। अच्छा ये बताइए, बस लास्ट में पूछूंगी आपसे, प्रिंस को पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं? प्रिंस को पढ़ाने के लिए ये है कि मान ली इनके साथ सहयोग तो करना ही पड़ा है क्योंकि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं हम, तो पूरा सहयोग तो मतलब इनके साथ करना ही पड़ेगा, कौन दूसरा आय का साधन है कि चलो ये कर लाएंगे तो हमें नहीं करना पड़ेगा, ये सारी मतलब दिक्कतें रही हैं। अच्छा, आपको तमाम आप इस ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जैसे कि प्रिंस ने भी बताया कि गांव में बहुत सारी दिक्कतें भी रही हैं, बारिश हो जाए तो यहाँ तक आना मुश्किल है, तो तमाम गांव की महिलाएं जो आपको सुन रही हैं और आपने बड़ी हिम्मत करी बच्चे को भेजा पढ़ने के लिए और अपनी मुश्किलें बच्चों को नहीं बताएं, तो जो गाँव की महिलाएँ हैं वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं तो ये कहूँगी
कि मतलब महिलाओं को अपनी तरफ से बच्चे को प्रोत्साहन करना चाहिए कि बेटा कुछ करो, कुछ बनो, अपना नाम कमाओ। पैसा तो सब कोई कमा लेता है, लेकिन नाम सब कोई नहीं कमा पाता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। तो आप प्रिंस के साथ में आप भी मशहूर हो गई, आप भी प्रसिद्ध हो गई हैं। हाँ वो तो है ही। हाँ। जब बेटा कुछ करेगा तो माँ बाप का तो नाम होगा ही। हाँ। तो जो आपके आपके गांव की महिलाएं हैं रिश्तेदारी में, क्या लोग आपको फोन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको? हाँ, बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं बताओ मतलब कि बेटा प्रिंस ने ऐसा कर दिखाया कि बताओ नाम हो गया, खुशी के तो आज इजार ही है। जी बिल्कुल, बहुत थैंक यू। तो ये थे प्रिंस पटेल, 10th बोर्ड के टॉपर, जिन्होंने जिनको कि यूपी बोर्ड में इनकी फर्स्ट रैंक आई है। इनके इनको मैथ और साइंस मिले 100% नंबर, और इसके अलावा अगर परसेंटेज की बात करें तो 97.67% इनके नंबर है, और 600 में इनको 586 यानी 600 में 586 इनके मार्क्स आए। आप प्रिंस की कहानी देखिए, बताती हैं इनका, अगर आपके मैंने इनके परिवार के लोगों से बात की, कितनी मुश्किलें रही हैं इनके पिता किसान अजय पटेल को बच्चे को पढ़ाने के लिए, कितने त्याग करने पड़े हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन बच्चे ने मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया है जो तमाम शहरों में रहने वाले बच्चे, सुविधा संपन्न बच्चे हासिल नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि ये जो प्रिंस की कहानी है वो तमाम स्टूडेंट्स को बहुत प्रेरित करेगी, और इस साल भी जो बच्चे 10th में गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आपको कैसे पढ़ना, हर सब्जेक्ट पर फोकस करना कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास ट्यूशन या कोचिंग की व्यवस्था है या नहीं। आप जहाँ हैं, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हिंदी भाषा के को जानने वाले हैं, या आपका लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। देखिए प्रिंस ने बहुत मेहनत करके, ये हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने इनको इंग्लिश लैंग्वेज में इनको 99 नंबर इनको हासिल हुए। इससे लगता है कि अगर आप तैयारी करें, अच्छे से आप अगर पढ़ें, तो आप कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकती है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।